आपकी दांतों में क्या है ये? मेरे दांत देख रहा हूँ, आपके नहीं बकरे, नहीं नहीं आपके नहीं चाचू यार, बकरे के दांत पूछूंगा ना यार आपको। वीडियो बकरों की जरूरत का तो बकरे को देख। अरे एक तो इतना दूर दूर आ रहे हैं, मंडियों की वीडियो बना रहे, तू बता कोई बनाता था? हम आके बनाते हैं कराची से। दो दांत है, दांत चेक करा? हाँ भाई, दो दांत का सौदा है। पैसे क्या मांग रहे? 7.5 लाख रुपए। अबे क्या हो गया यार, अबे चीज तो है भाई लेकिन 7.5 लाख रुपए, तुझे पता है कितने जीरो होते हैं इसमें? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेट सीन्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि भाई मैं कहाँ पे मौजूद हूँ। अभी अभी हमने ना यार यहाँ से पेट्रोल डलवाया है, और आपको पता है कि यार आज सैटरडे, सैटरडे को आपका भाई जाता है टंडो आदम मंडी। और आप लोगों में से यार काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे कि यार मुसब भाई यार ये टंडो आदम मंडी कराची से कितनी दूर है, और हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए, और कितने किलोमीटर्स लग जाते हैं, और कितनी देर का रास्ता है। तो यार मैंने सोचा है कि यार कराची से लेकर टंडो आदम तक का पूरा सफ़र दिखाऊंगा, कितना पेट्रोल हम डलवाते हैं, कितने किलोमीटर्स होते हैं, और हम लोग कौन से रास्ते से जाते हैं, और हम लोग क्या क्या करते हैं, यार सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। और जब तक चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अभी मैं आपको चल के दिखा, तो यार गाड़ी में हमारे साथ और कौन कौन मौजूद है भाई? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक बिल्कुल, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का करम। आप सुनाए फराज भाई? बिल्कुल अल्लाह का। और यहाँ पे देखिए भाई, ये कौन है भाई? सो गए? हेलो। हाँ भाई क्या हो गया, अभी से सो गए? हाथ में यूं ही रहता है यार, अलग क्या करें यार, अब जिंदगी कुछ ऐसी हो गई है, रात में भी यूं, दिन में भी यूं, शाम में भी यूं। अच्छा आप एक बात करनी है आपसे मुझे। क्या? मोहब्बत करेंगे? मोहब्बत करेंगे यार, ये इनका बेटा यार, इनको बोल रहे हैं कि यार मुसब भाई को ना जाके बोलना यार मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत करेंगे यार। आपका भाई वीडियो में बोलते हैं ना यार, व्यापारियों को मोहब्बत करनी है आप लोगों के साथ, तो इनका बेटा भी शुरू हो गया। तो भाई फराज भाई क्या सीन है आज को, और आप अभी से क्यों वीडियो स्टार्ट कर लिया आज हमने? बस हमने कहा सुबह से अब जरा चल रहे हैं टंडो आदम की तरफ, तो आप लोगों को डिटेल बताते हैं कि क्या खर्चा आता है, पेट्रोल का क्या खर्चा है, और कितना सफर है, और किस टाइम निकलना चाहिए, वो सारी अपडेट आपको अभी देते हैं। तो दोस्तों भाई अभी अभी ना हमने यार पेट्रोल फुल करवा दिया, और यहाँ पे आप ट्रिप देख रहे होंगे यार, कोई 3,778 हो रही है। तो अभी इसको ना हम लोग ना कर देते हैं जीरो पे। तो भाई ये सीन हो गया, अब हम लोग जीरो पे करके यार अभी कराची टूल से निकल रहे हैं, और आपको ना इससे अंदाजा हो जाएगा कि यार टोटल कितने किलोमीटर्स है कराची से टंडो आदम। यार आज तो यार दोस्तों हमारा मूड है कि यार कुछ सौदे भी मार ही लेते हैं ना, तो यार आप लोग भी दुआ करिएगा कि यार हमारा सौदा हो जाए यार, क्यों फराज भाई? बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छा सा सौदा हो जाए इंशाल्लाह। तो चलो भाई निकलते हैं यार जल्दी से भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये देखिए भाई, फाइनली जो है हम लोग हैदराबाद पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग जाएंगे भाई सीधा अलफला अपने ठिकाने पे, वहां पे नाश्ता करेंगे, और वहां से आगे निकलेंगे टंडो आदम की तरफ। और मोंटी अबे अभी तो सो रहे थे भाई, उठ गया। अबे कैसे उठे? जैसे ही मैंने बोला यार ये देखिए उठ गए। कोयटा नहीं आ गया, हैदराबाद आ गया। तो दोस्तों भाई हैदराबाद हम पहुंच चुके हैं, और हैदराबाद तक हमारे किलोमीटर हो गए हैं 121 किलोमीटर, 121 किलोमीटर है हैदराबाद कराची से टूल से। 150 किलोमीटर है, 150। लेकिन वो शहर तक है, सुराबगढ़ तक, सुराबगढ़ तक है ना, लेकिन टूल से टूल वो शहर तक का 150 किलोमीटर होगा यार आपके सामने। यार मैंने टूल पे इसको रीसेट कर दिया था, और हैदराबाद हम लोग पहुंच गए, 121 किलोमीटर हो गया है भाई। टूल से टूल है ना ये? हाँ टूल से टूल भी आएगा, वो अपने घर से ही आएगा, तो इससे भी ज्यादा ही होगा। हाँ टूल से टूल आएंगे तो यार 120 किलोमीटर है हैदराबाद भाई। अभी अंदर जाते हैं और मिलते हैं आपसे अलफला पे। यार बहुत भूख लग रही है यार, नाश्ते ही नहीं किया ऐसे ही निकल गया यार। तो ये देखिए भाई हम लोग फाइनली भाई अपने ठिकाने पे पहुंच चुके हैं, अवामी अलफला रेस्टोरेंट। भाई हम लोग यहीं पे यार नाश्ता करते हैं, और यहाँ पे ना यार साफ सुथरे वॉशरूम भी है, यहीं पर हम लोग हल्के फुल्के होके निकल जाते हैं, क्योंकि यार मंडी में आपको वॉशरूम नहीं मिलने वाला है, वहां पे आप ख्वार हो जाएंगे, यहाँ पे हल्के फुल्के होके मंडी चले जाए। और यार मुझे एक बात और आप लोगों से करनी थी यार, मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ना यार, आप लोग इतने कॉमेंट्स आते हो मेरे पास व्हाट्सएप पे, इतने मैसेजेस आ जाते हैं यार, मुसब भाई आप हैदराबाद आए, आप अलफला आए, हमसे नहीं मिले, हमारे पास आगे नाश्ता करते हैं। यार आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। यार दरअसल मैं आता हूँ यहाँ पे काम के सिलसिले में, और जल्दी जल्दी में जाता हूँ, आप लोगों को पता है वहाँ पे फार्म भी है, वो भी देखना होता है, और ये भी करना है ना, तो जल्दी जल्दी में आते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी में चले जाते हैं, बस यहाँ पे जल्दी से नाश्ता करते हैं, 15-20 मिनट लगाते हैं और भाग जाते हैं यहाँ से। तो आप लोगों ने यार मुझे बुलाया, आप लोगों ने इन्वाइट करी, आप लोगों की मोहब्बत है यार, बहुत बहुत शुक्रिया, समझे यार आपके भाई ने नाश्ता आपके पास आगे कर लिया। तो इंशाल्लाह यार फ्री होके आप लोगों के पास जरूर आएंगे, अभी चलते हैं, अभी जल्दी से यार नाश्ता करते हैं मोंटी भाई। और भाईजान आप यहाँ पे कभी भी आए तो वॉशरूम में बाहर बंदा बैठा होगा, वो आपसे 30 रुपए लेगा छोटे के,
और बड़े के 50 रुपए। इस सारा का सारा जो है हमारा नाश्ता आ चुका है। अच्छा भाई, यहाँ पे भाई हमारे पास छोले हैं, आलू की तरकारी है, ये हलवा है और अंडा है ना। यहाँ पे ना सिर्फ अंडे मिलते थे, हम लोग दो बार से ना अंडे खा रहे थे, तो मोनिस भाई ने भाई फरमाइश करी कि यार मैं छोले खाऊंगा। तो भाई फराज भाई जो है छोले और तरकारी लेके आए। फराज भाई आज मेन्यू चेंज कर दिया, बस मोंटी भाई के लिए। मोंटी भाई के लिए, मोंटी भाई ने बोला अंडे खा खा के भाई मैं अंडा होता जा रहा हूँ। तो ये देखो अंडे पे, यहाँ पे अंडे ही फोड़ रहे हो यार आप तो। भाई अंडा ताकतवर चीज है, आप भी खाया करो। तो दोस्तों भाई हम लोग नाश्ता करके हो गए थे फ्री, अब हम करेंगे भाई अपना सफर शुरू टंडो आदम के लिए। हमें यहाँ से भाई कौन सा बाईपास पकड़ना है? यही नेशनल हाईवे जो जा रहा है ये आगे जाके, मतलब हम लोग देखें भाई हम लोग सीधा सीधा आए कराची से हैदराबाद, अल्फला आए, अल्फला से हम लोग यूं लेफ्ट हो जाएंगे। अभी मैं बता देता हूँ, ये तो अभी हम होटल पे खड़े ना, सीधा नेशनल हाईवे सीधा ही जा रहा है आगे, मटियारी से जाके टर्न मारेंगे। अच्छा मटियारी से जाके टर्न मारेंगे? नहीं मैं ऐसे बता रहा हूँ ना, हम लोग वहाँ से सीधा आए, ये पीएसओ का पंप आएगा, वहाँ से लेफ्ट होना है ना, ये वाला रोड लेफ्ट पकड़ना है ना अल्फला के लिए, स्ट्रेट जाएंगे लेफ्ट। बस सही हो गया। तो दोस्तों भाई वहाँ से आके हमें स्ट्रेट लेफ्ट हो जाना है। अभी मैं आपको गाड़ी निकाल के दिखा देता हूँ भाई। ये देखिए भाई आप पीएसओ देख रहे हैं, पीएसओ के उस साइड से ना यार हम यूं सीधा आए, यहाँ से हम लोग यूं लेफ्ट हो गए। अब हम जा रहे हैं भाई लेफ्ट की तरफ, यहाँ से हम लोग हैदराबाद बाईपास ना, जी बिल्कुल हैदराबाद बाईपास के ऊपर चढ़ जाएंगे। ओए बिस्मिल्लाह। चलो भाई, तो अभी आपको जैसे जैसे अपना सफर चलता रहता है हम आपको बताते हैं भाई क्या सीन है। और यहाँ पे देखें भाई क्या लिखा हुआ है भाई, मटियारी 24 किलोमीटर, खैबर 37 और हाला 55 किलोमीटर। टंडो आदम यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? और जहाँ से ना हमें अभी आगे से यू टर्न लेना होगा ना, वहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि यार हमें कहाँ से टर्न होना है आगे से। यहाँ से आगे से कट लेना है, टंडो आदम का जो है रास्ता यहाँ से अलग जा रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं मटियारी में। आप लोगों को मैंने दिखाया था कि यार हम लोग ना वहाँ से निकले थे अल्फला से, सीधा सीधा रोड आ रहे थे, अभी हम लोग उसी रोड पे हैं भाई, हम लोग मटियारी पहुंच चुके हैं अभी। अब यहाँ से ना हम लेंगे टंडो आदम का कट, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई कहाँ से लेना है। फराज भाई बताए ना कहाँ से लेना है? बस ये टर्न आ गया यहाँ पे, आ गया ये रक्षी के साथ नीचे। अच्छा आगे आगे तो भाई अभी थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं शहर के साथ ना, ये शहर तो हमने क्रॉस कर दिया ना मटियारी। राइट साइड पे भाई पहले ही कट आएगा और उधर आगे लिखा हुआ भी होगा ना टंडो आदम, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ना, ये पीएसओ का पंप भी आएगा एक, पहले ये भी देख लें भाई। आ गया भाई, आ गया, आ गया, आ गया। ये देखिए दोस्तों भाई ये कट है जो हमें लेना है, वहाँ पे आपको पीएसओ का पंप भी नजर आ रहा होगा। यहाँ से भाई इस तरीके से भाई यू टर्न ले लेना है हमें, और यहाँ से ना अभी हमें थोड़ा सा ही आगे जाना है, टंडो आदम भी लिखा हुआ आएगा और लेफ्ट ना रास्ता जा रहा होगा एक, वो तो मुझे इतना तो मुझे भी याद हो गया यार उस दिन मैंने देखा था। हाँ और लेफ्ट पे देखें भाई दो पंप भी बने हुए, पूमा का पंप है? नहीं सोमू का पंप है भाई। ये देखिए दोस्तों भाई एक पीएसओ का पंप है और उस तरफ ना यार आपके लेफ्ट साइड पे जो होगा ये कौन सा पंप था? सामू सीएनजी पंप है भाई। अब ये वाले रास्ते पे हम लोग लेफ्ट मुड़ गए हैं और यहाँ से भाई सीधा सीधा बस हमें जाते रहना है, कहीं नहीं मुड़ना है, ऐसा ही है ना, सिर्फ सीधा जाना है, बिल्कुल सीधा जाना है। क्या लिखा हुआ है वो देखें भाई, टंडो आदम यहाँ से 17 किलोमीटर है ना, बस बिल्कुल ही करीब है यार, अब तो पहुँचने ही वाले हैं, मतलब कोई हमारा 15 से 20 मिनट का सफ़र रह गया होगा और यही वाले रोड पे सीधा सीधा हमें सफ़र करना है। और वहाँ से फिर आपको बताऊंगा कि यार मंडी के लिए किस तरफ जाना है ना, अभी टंडो आदम तो पहुँच जाए पहले। ये देखिए भाई यहाँ से सीधा सीधा आए हम लोग, यहाँ पे एक लेफ्ट टर्न जा रहा है, यहाँ पे एक राइट रास्ता जा रहा है, हमें यहाँ से जाना है सीधा उसी चौक से आए हम लोग, तीन रास्ते जा रहे हैं लेकिन हम लोग कहीं भी नहीं मुड़े, हम सीधे सीधे आ रहे हैं। यहाँ पे पुलिस वाले भाई भी खड़े हुए हैं, ये देखें भाई बहुत सारे खड़े हुए। ये देखें भाई सारी की सारी गंदम जो है देखें भाई कट के ना यहाँ पे फोल्ड होके रखी हुई है, इसी तरह मैंने रास्ते में भी देखा था गंदम काट रहे हैं, गंदम ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब ना अपनी काट चुके हैं ना, क्योंकि गंदम का ना सीधा अभी गंदम पूरे साल होती है वैसे? नहीं छह महीने होती है ना गंदम, अभी काट रहे हैं ना सारे, खत्म हो गई है ना, तैयार हो गई, बस अब क्रशिंग जा रही है, क्रशिंग जा रही है भाई। तो दोस्तों भाई फाइनली भाई हम मंडी पहुंच चुके हैं, उसी रोड पे सीधा सीधा आए हम, कहीं पे भी नहीं गए। और ये देखिए भाई आपको सारी गाड़ियां बाइकें सब नजर आ रहा होगा, अभी हम लोग नीचे उतरते हैं यार, गाड़ी पार्क करते हैं। कहाँ से उतरना है? नीचे यहीं से उतर जाए। ये रहा भाई, ये रहा भाई कदा आ गया भाई, यहाँ से हमें सीधा जाना है यार नीचे। और ये देखे भाई यहाँ पे लगी हुई है, सबसे पहले एंटर होती है ना गधों की मंडी ना, यहाँ पे तरह तरह के गधे आए हुए बिकने के लिए, और मोंटी भाई के सारे रिश्तेदार लगते हैं ना ये। अभी चलते हैं यार गाड़ी पार्क करते हैं, यहाँ पे आगे गाड़ियों की पार्किंग है, यहाँ पे बाइकों की पार्किंग है, आप लोग इतना तो देख के समझ ही जाएंगे यार। अब पहुँच गए हैं मंडी,
हाँ आज कराची आया हूँ, कराची आया हूँ भाई, आज रेट ऊपर होंगे। हाँ यार फराज भाई कह रहे हैं आज तो पूरा कराची आया हुआ है, गाड़ियों को देख के इन्होंने अंदाजा लगा लिया, कह रहे हैं भाई आज तो रेट ऊपर होंगे। ये देखें भाई यहाँ पे धुम्बे खड़े हुए हैं, बकरे खड़े हुए हैं और अंदर बकरा मंडी स्टार्ट है। और अभी जल्दी से ना गाड़ी पार्क कर देते, पहले आएगी बकरा मंडी और आगे जाके आएगी गाय मंडी। चलो भाई रिवर्स करो रिवर्स करो रिवर्स करो। दोस्तों भाई यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर ली और ये देखे भाई लाइन से यार बहुत सारी गाड़ियां पार्क हुई हुई है। हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे ना यार इतनी सारी गाड़ियां तो नहीं थी यार फराज भाई, आज सब कराची वाले आए हैं। कुर्बानी जैसे जैसे करीब आएगी पार्किंग फुल होती जाएगी, वहाँ भी पार्किंग लगी हुई है। हाँ वहाँ भी पार्किंग लगी हुई है दोस्तों, देखिए और ये वाली पार्किंग भी पूरी फुल है, अच्छी खासी आवाम आई हुई है आज। और यार आज आप लोगों का ये काम भी करती है यार, कराची से लेके टंडो आदम तक का पूरा रास्ता बता दिया। आप लोगों में से काफी सारे लोगों को पता भी होगा रास्ता और आप लोग गूगल मैप में भी डाल के आ सकते हैं। ये तो भाई फराज भाई की रिक्वेस्ट थी कि यार सब पूछ रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, तो यार जरूर है बता दो और एक एक चीज क्लियर कर दो लोगों को कि भाई कितना किलोमीटर है, कहां से कटे है और किस तरीके से आना है। तो भाई ये बहुत आसान रास्ता है, आसानी से आ सकते हैं, गूगल मैप के थ्रू भी आ जाए। ये तो हमने सिर्फ रूट के ऊपर आपको साइन सिर्फ शो किए हैं कि आप इस रूट पे आए, आसानी से आ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही सीन है यार, हम पहुंच चुके हैं, अब हम जाएंगे भाई टंडो आदम मंडी के अंदर और आप लोगों को भाई रेट्स बताते कि यार आज के क्या रेट्स चल रहे हैं जानवरों के। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें यार, आपका भाई यार इतनी दूर आ जाता है यार, सब्सक्राइब कर दिया करें यार, बहुत गर्मी है आज भी। अंदर एंटर होते हम लोग आ गए हैं भाई बकरा मंडी में, अंदर एंटर होते है ही ना बकरा मंडी और जो बछड़े है ना वो आगे की तरफ है। तो अभी ना थोड़े से यार बकरों के भी रेट आपको बता देता हूँ भाई, क्या मांग रहे हो? 45,000 रुपए का एक बकरा, दांतों में क्या है? दो दांते दोस्तों, 45,000 रुपए मांग रहे हैं यार, कुछ ज्यादा पैसे नहीं मांग रहे हो? नहीं नहीं क्यों यार, ज्यादा है यार, दो दांत है, क्या हो जाएगी मोहब्बत, क्या हो जाएगी? 42,000, इससे कम नहीं होगा यार, बहुत पैसे मांग रहे हैं। नंबर है तेरा? नहीं नंबर नहीं है, टंडो आदम मंडी में ही होता है। चलो भाई 42,000 रुपए इसके बोले और 42,000 रुपए भी बहुत ज्यादा पैसे मांगे यार इसके। हाँ चाचू दांतों में क्या है ये? दो है। क्या मांग रहे हो? इसके 45,000 रुपए मांग रहे हो और इसके 35। कितने किलो का होगा यार ये? किलो में कितना होगा ये वजन में? 20 किलो का होगा और 45,000 रुपए चाचू यार ज्यादा मांग रहे हो ना यार पैसे यार। नहीं है ये ज्यादा नहीं है, मुनासिब दाम है। मुनासिब दाम है, मुनासिब दाम ज्यादा क्या होंगे फिर इसके? ये बताओ, देखो ये कसी चिल्ला है, ऐसा नहीं है, देखो हाँ कसी बच्चा है लेकिन यार वजन में भी तो होना चाचू, वजन हो गोश्त हो उसके हिसाब से पैसा होना। कुर्बानी का चीज है, ऐसा नहीं है। हाँ अच्छा मोहब्बत होगी इसमें, ये बताओ क्या मोहब्बत हो जाएगी? क्या दे देगा आप? आप बताओ, आप बताओ, तो आपका चीज है ना। मेरे हिसाब से यार 18,000 रुपए यार नहीं होगा, 18,000 रुपए में भाई, 18,000 रुपए में कह रहे दूसरा ले लो यार, चलो 20,000 रुपए ले ले यार, 20 में भी नहीं होगा, कितने में होगा? 2,000 45 से 2,000 कम कर लो। अबे यार क्या हो गया यार, ये 43,000 रुपए का 43 इतना महंगा चीज नहीं है ना यार। 20 किलो का बकरा? नहीं बकरा माशाल्लाह तेरा बहुत अच्छा है लेकिन पैसा बहुत मांगा ना यार। अच्छा नंबर है तेरे पास कोई? नहीं है नंबर, नहीं है, टंडो आदम मंडी में ही होता है। हाँ। चलो भाई टंडो आदम मंडी में होता है और इसने भाई इसके 43,000 फाइनल करें यार, अब बताएं यार इतना छोटा सा बकरा यार। ये देखिए भाई दोस्तों यार कितना ही कोई छोटा सा यार बकरी का बच्चा है यार, बहुत ही छोटा सा माशाल्लाह से यार, बहुत ही प्यारे कलर में यार। ये कितने दिन का होगा? 14,000 नहीं है, होगा कितने दिन का? होगा कितने दिन हो गए इसको पैदा हुए हुए? दो महीने का ही है, दो महीने का। 14,000 रुपए मांग रहे हो यार, 14,000 रुपए ज्यादा नहीं है? हाँ बर्बरी नस्ल तो है लेकिन यार फिर भी यार 14,000 रुपए ज्यादा है ना। हाँ माशाल्लाह से बहुत प्यारी है यार, बहुत प्यारी चीज है लेकिन यार 14,000 रुपए क्या हो जाएंगे इसके मोहब्बत? फाइनल 12,000 रुपए। नंबर है आपका? 27,34,116 भाई 12,000 रुपए बोल रहे हैं यार लेकिन बहुत ज्यादा फाइनल भाई, कम करोगे? फाइनल बहुत ज्यादा है, 12,000 रुपए में कौन लेगा? तो खुद बता यार कौन लेगा? कोई भी लेगा, शौक लेगा भाई, 1,00,000 का लेते हैं भाई। अच्छा 1,00,000 का लेते हैं भाई, भाई बोल रहे हैं यार 1,00,000 रुपए का ऐसा ऐसा बकरा लोग लेके जाते हैं लेकिन यार प्यारा क्यूट सा है लेकिन यार बहुत पैसे मांग रहे हैं। 6,000 रुपए में देगा ना? अभी ले जाऊंगा। नहीं देगा? 6,000 रुपए ज्यादा दे रहा हूँ। हाँ 11,500। अच्छा 500 भी नहीं, 11,500 भी नहीं होगा भाई लेकिन यार बहुत प्यारा है यार माशाल्लाह, क्यूट सा बच्चा यार। दूर से इस बकरे पे मेरी नजर पड़ी है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा मैंने तारीफ कर दिया, भाई के पैसे सुनना यार, भाई क्या मांग रहे हो? 1,30,000 रुपए। और भाई दांतों में क्या है ये? दो चार है, चार है दांतों में। और ये वाला इसके क्या मांग रहे हो? चार है। और माशाल्लाह यार बड़ा बकरा है, किलो में कितने वजन में कितना होगा? 75-80 किलो होगा। इसके क्या मांगे? 2,20,000 रुपए। अबे क्या हो गया यार, 2,20,000 रुपए। इसके क्या बोले थे? 1,00,000
जोड़ी के दो बीस बोल रहे हैं, मतलब एक दस ये मांग रहे ना यार, ज्यादा मांग रहे ना यार, वो भी तो ज्यादा है ना यार, एक दस भी तो ज्यादा है ना। एक दस का बछड़ा लेके चला गया मैं यहाँ से परसों, ओ पिछले हफ्ते को, अभी तू एक दस का बकरा बेच रहा है यार, मुनासिब कर ले, क्या हो जाएंगे, मोहब्बत होगी इसमें, हाँ हो जाएगी ना मोहब्बत। नंबर है आपका? जी हाँ, नंबर बताओ। 0315-0309-803। अगर कोई कराची बोलेगा पहुँचाने का, पहुँचा के दोगे? हाँ हाँ पहुँचा देंगे। चलो पहुँचा दोगे, लेकिन मोहब्बत करनी है, पैसे बहुत ज्यादा मांगे यार, देखो हमारी इज्जत रखनी है, हम आते हैं इतनी दूर से यार, हमारे को पता है कितने ज्यादा है कितने कम है। हाँ ज्यादा नहीं है, 12 महीने बकरा खाता है, ऐसे थोड़ी है भाई, 12 महीने खाता है ना यार, तो फिर भी यार कुर्बानी तो आसान करो ना लोगों के लिए, इतना ज्यादा ज्यादा पैसा यार बंदा कैसा करेगा, महंगाई लोगों के लिए कितना हो गया, तुम ये भी तो सोचो लोग कैसे करेगा कुर्बानी, कुर्बानी तो करना है ना यार, कुर्बानी तो आसान सस्ता बनाना है ना लोगों के लिए। सस्ते की बात नहीं है, जैसी खुराक बंदा खाता है वैसी ये बकरा खाता है, 12 महीने का हिसाब लगा। अच्छा हाँ ये तो है भाई, मैं भी फार्मर हूँ भाई, मेरा भी फार्म है, मैं बछड़ा पालता हूँ, वो तू सोच कितना खाता होगा, लेकिन फिर भी भाई हम गुंजाइश निकाल देते हैं कस्टमर के लिए ना, आप भी निकालना यार, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत करेगा आपके काम में इंशाल्लाह भाई। चलो भाई बहुत ही प्यारे बकरे इनके यार, दूर से इस बकरे पे मेरी नजर पड़ी है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा मैंने तारीफ कर दिया, भाई के पैसे सुनना यार, भाई क्या मांग रहे हो? 1,30,000 रुपए। और भाई दांतों में क्या है ये? 2-4 है, 4 है दांतों में। और ये वाला इसके क्या मांग रहे हो? 4 है। और माशाल्लाह यार बड़ा बकरा है, किलो में कितने वजन में कितना होगा? 75-80 किलो होगा। इसके क्या मांगे? 2,20,000 रुपए। अबे क्या हो गया यार, 2,20,000 रुपए। इसके क्या बोले थे? 1,00,000 जोड़ी के 2,20 बोल रहे हैं, मतलब एक दस ये मांग रहे ना यार, ज्यादा मांग रहे ना यार, वो भी तो ज्यादा है ना यार, एक दस भी तो ज्यादा है ना। एक दस का बछड़ा लेके चला गया मैं यहाँ से पिछले हफ्ते को, अभी तू एक दस का बकरा बेच रहा है यार, मुनासिब कर ले, क्या हो जाएंगे, मोहब्बत होगी इसमें, हाँ हो जाएगी ना मोहब्बत। नंबर है आपका? जी हाँ, नंबर बताओ। 0315-0309-803। अगर कोई कराची बोलेगा पहुँचाने का, पहुँचा के दोगे? हाँ हाँ पहुँचा देंगे। चलो पहुँचा दोगे, लेकिन मोहब्बत करनी है, पैसे बहुत ज्यादा मांगे यार, देखो हमारी इज्जत रखनी है, हम आते हैं इतनी दूर से यार, हमारे को पता है कितने ज्यादा है कितने कम है। हाँ ज्यादा नहीं है, 12 महीने बकरा खाता है, ऐसे थोड़ी है भाई, 12 महीने खाता है ना यार, तो फिर भी यार कुर्बानी तो आसान करो ना लोगों के लिए, इतना ज्यादा पैसा यार बंदा कैसा करेगा, महंगाई लोगों के लिए कितना हो गया, तुम ये भी तो सोचो लोग कैसे करेगा कुर्बानी, कुर्बानी तो करना है ना यार, कुर्बानी तो आसान सस्ता बनाना है ना लोगों के लिए। सस्ते की बात नहीं है, जैसी खुराक बंदा खाता है वैसी ये बकरा खाता है, 12 महीने का हिसाब लगा। अच्छा हाँ ये तो है भाई, मैं भी फार्मर हूँ भाई, मेरा भी फार्म है, मैं बछड़ा पालता हूँ, वो तू सोच कितना खाता होगा, लेकिन फिर भी भाई हम गुंजाइश निकाल देते हैं कस्टमर के लिए ना, आप भी निकालना यार, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत करेगा आपके काम में इंशाल्लाह भाई। सलाम अलैकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत से? अल्लाह का करम है। क्या है भाई, वजन में क्या होगा ये बकरा? ये होगा, ये 60-60 किलो के होंगे। 60 किलो का होगा ये? नहीं यार, कहाँ से? जिंदा 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 ना, आप गोश्त का बता हमें, गोश्त का नहीं, 60 किलो होगा, डेढ़ मन का है। गोश्त होगा इसमें 35 किलो गोश्त कर दिया। अबे नहीं यार, 35 किलो होगा भला, 30 किलो, 30 किलो चल कुछ कह सकते हैं, 30 किलो शायद इसमें से निकला है। छोटे बच्चे भाई, दांतों में क्या है ये? दांतों में चार क्या मांग रहे हैं इसके? सही सही बता। नहीं सारों के एक के, एक के बता पहले। पुट्ठे का रेट है भाई, देख लमसम में, लमसम में, हाँ लमसम में। कौन कौन सा दाना है? ये एक दाना है, दो, ये झालर वाला है, ये झालर वाला। अबे वो तू छोड़ यार, दाने दिखा, झालर वाला सब पता है, कुछ नहीं होता वो, बच्चा दिखा बस, गोश्त से मतलब है आवाम को यार। डबल हड्डी वाले भी है? ये डबल हड्डी वड्डी कोई नहीं चाहिए भाई, सिर्फ गोश्त चाहिए। 10 बकरे देखो, 10 बकरे हो गए, क्या मांग रहे हैं पुट्टे का? भाई ने बोला देने वाली बात, 60,000 रुपए, 60,000 रुपए अभी तू देने वाली बात बोल रहा है? खुदा के बंदे वो 80-80 वाले देखो भाई, अबे तो 80 वाले हैं ना, अबे 80 तो तू बोल रहे हैं ना उसके, वैसे तो वो 50 वाले ही है ना यार। चलो 80 का हो गए, 55 लगा, 55 लगा देगा। अबे यार ज्यादा बोल रहे हैं यार, ज्यादा नहीं, 50 का लगा और क्या भला, अभी 50 का भी कोई नहीं लेगा क्या हमारे से? अबे यार और भी कम करेगा यार, अभी ज्यादा भी, तू अपना नंबर बता यार, 0317-37-43-203। हमारा भी यूट्यूब चैनल है, हाँ किस नाम से? 786 आरिफ भाई को भी सब्सक्राइब कर देंगे, लेकिन तू मोहब्बत करेगा यार तो सब्सक्राइब करेंगे ना भाई, मोहब्बत वाला यार, 50-50। अबे यार गुलाबी तो मैं भी हूँ ना यार, मुझे भी पैसे दे दे यार। देखो इधर देखो, सारे चमक वाले बच्चे हैं, चमक कोई, तो बाबा दस, कोई 10 बकरे लेगा ना तो 50 का पुट्टा फाइनल हो जाएगा, और अगर कोई एक लेगा तो फिर 40 का दे देगा, एक 60,000 का फाइनल हो जाएगा यार। नहीं यार, और हल्का भी है ना, हल्का 40 का दे देंगे। नहीं मोहब्बत करनी है, देख वीडियो भेजनी है, वो वीडियो मांगेंगे या तो तेरी जगह पे आएंगे, तेरी जगह किधर है? पहचानते यार, हमें पहचानते हैं ना, हमारी खुद फेमस बंदे हैं, मैंने भी तुझे देखा है टिकटॉक पे यार, टिकटॉक में नहीं, यूट्यूब, टिकटॉकर नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा चल सही है, मोहब्बत करनी है, देख लोग कॉन्टेक्ट करेंगे, देख सस्ते दाम में देने, लोगों की कुर्बानी आसान करनी है बिल्कुल इंशाल्लाह भाई। चलो बंदा कोई लेना चाहे ना
दूसरा माल भी लेके देंगे इंशाल्लाह। अच्छा दूसरा माल भी, तेरी जगह किधर है टंडो आदम? हाला हाला में होता है भाई, हाला में तेरी जगह पे भी विजिट कर लेंगे लोग। हाँ भाई क्या हाल है, सब खैरियत? सब खैरियत है। चाचू के पास भी भाई छोटे छोटे बकरे खड़े हुए। भाई चाचू क्या हाल है, इधर आओ ना, क्या मांग रहे? आपके नहीं है? किसके हैं भाई, आपके हैं चाचू? चाचू दांतों में क्या है ये? मेरे दांत देख रहा, बकरे के देख? आपके नहीं, बकरे? नहीं नहीं आपके नहीं चाचू यार, बकरे के दांत पूछूंगा ना यार आपको। वीडियो बकरों की तरफ का, तो बकरे को देख? अरे पूछूंगा तो आपसे ना यार, आप यहाँ पे बैठे हो, बताओ दांत? बकरे बकरे दो दो दांत हैं? वजन में क्या होंगे आपके अंदाजन? लपेट में भी होंगे, 35 किलो का भी होगा। 35 किलो तो नहीं होगा ना ये? आप कौन से वाले की बात कर रहे हो? अच्छा ये वाले भाई, ये वाले हैं भाई चाचू के बकरे यार, मैं वो वाले समझ रहा था यार। माशाल्लाह ये लेके आओ, आगे लाओ, ये वाले को लाओ। इस वाले के क्या मांग रहे हो चाचू? आगे करो, आगे करो, चलो चलो। 1,10,000 रुपए। दांतों में क्या है? दो दो दांत है भाई दांतों में। और ये वाले का? 1,40,000 रुपए। 40 लोगे सिर्फ? 40 में मुर्गी मिलेगी? 40 में मुर्गी मिलेगी भाई, चाचू ने बोल दिया यार इस बकरे के 40, 1,40,000 रुपए मांगे यार आपके सामने यार। बताएं यार बछड़ा मिल जाए 1,40,000 में तो यार क्या करें, महंगा हो गया भाई बकरे का गोश्त। ये देखिए भाई यहाँ पे भी यार बहुत सारे बकरे खड़े हुए यार, इनके भी रेट ले लेते भाई, वजन में क्या है, क्या सीन है इनका यार। हाँ भाई क्या हाल है, खैरियत से हो? क्या है ये बकरा दांतों में क्या है? सात के साथ दो दो दांत हैं इसका, बताइए इसके क्या मांग रहे हैं अकेले के? 90,000 रुपए। और पुट्टे में अगर लेना चाहे एक एक बकरा, पुट्टे के क्या रेट लगाएगा? 85,000 रुपए भाई, 85,000 रुपए बोल रहे हैं आप। पुट्टे देख लें भाई, ये भी है बकरा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और 85,000 रुपए भाई एक का पुट्टा मांग लिया भाई, इतना पैसा कहाँ लेके जाएगा यार, इतना पैसा क्यों मांग रहे हैं? हाँ 85,000 रुपए के लिए तूने? अबे यार इतने महंगे ले लिए यार, 85,000 का लिए नहीं है, बेचने का बोल रहा हूँ। क्या करेगा मोहब्बत, क्या करेगा यार ये बता? वो भी बात करोगे तू, बता क्या करेगा? ये एक ही बात होंगे, 75,000 से कम नहीं होंगे। 40,000 रुपए नहीं होंगे? नहीं, 75,000 से 75,000 रुपए से 1 रुपया कम नहीं होगा। चाहे कितने किलो किलो का बकरा होगा ये वाला तेरे हिसाब से, गोश्त में कितना होगा? गोश्त वाला चाचा मुझे नहीं पता, अंदाजा गोश्त लगा धारी से बेचते चाचू, आप बताओ यार ये गोश्त में कितना होगा ये वाला बकरा? 30 किलो। 30 किलो का होगा? 30 किलो का ये कितना बोला तूने? 75,000। 75,000 रुपए सही बोला है? हाँ, तो गोश्त कितने? अपना नंबर बता। 0321-3222-036। देख भाई तेरा नंबर डाल दिया, लोग कांटेक्ट करेंगे, मोहब्बत करनी है सही है। 75,000 रुपए वाली ये बात नहीं करनी है कि यार इतने में देना है उतने में देना है, ठीक बात करनी है, अच्छी शौकीन को देना है सही है। ठीक हो गया, नाम क्या तेरा? बहुत अच्छा बंदा है यार, व्हाट्सएप नंबर है सही है। ये बकरा है भाई 75,000 रुपए पुट्टे का, वो भी अलग अलग नहीं, पुट्टे का 75, 35 किलो से ऊपर है, और ये वाला 30 किलो होगा। ये देखिए यार कितने प्यारे प्यारे भाई, कहाँ लेके जा रहे हो इनको? भाई इनको भेजने जा रहे हैं। ये कौन सी नस्ल के हैं? ये बर्बरी नस्ल के हैं। बर्बरी नस्ल है ये? क्या मांग रहे हो भाई एक का? दोनों के 30,000 रुपए यार, इतने छोटे छोटे यार, तू खुद तो सोच यार, इसके 30,000 रुपए हिरनी डाप रहे ना ये हिरनी? अभी तू बोल रहा था बर्बरी है? अबे यार बर्बरी के तो वही तो बोलू कान खड़े होते, ओए तू बोल रहा है ये बर्बरी है, ये तो हिरनी टाप रहे हैं यार। क्या मांग रहे हैं अब इसके? अब सही सही बता, 30,000 रुपए ज्यादा बोल रहे हैं ना यार। कोई शौक करना चाहे अगर इसको 30,000 रुपए में लेगा तो एक साल पालेगा, दो साल पालेगा, उसको कितने का पड़ जाएगा तू खुद सोच। ये भेजेगा और बहुत अच्छी कीमत है इनकी, क्या हो जाएंगे आखिरी? आखिरी बता दे जल्दी से, आखिरी आपके लिए 28 हो जाएगा। 28,000 रुपए नंबर बता। 0305-81-12-341। अच्छा भाई, भाई का नंबर बता दिया यार, बहुत ही प्यारे प्यारे यार, ये देखे यार माशाल्लाह यार बहुत ही प्यारे से, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं यार, 5,000 रुपए के सबसे दे दे। नहीं नहीं भाई नहीं देगा, 5 ओए लेके चला गया भाई, देखे 5,000 लगाए लेके चला गया भाई, ये देखे भाई ये हालत चल रही है यहाँ पे भाई। एक गार्ड खड़े हुए हैं, कोई भाई बछड़े किस तरफ है? बछड़े उस तरफ है, बछड़े में चले। हाँ चले, आपको बकरे दिखा दिए ना, रेट देख लिए, देख लिए, डर गए, डर गए हम, डर गए। पहले वाले ही रेट है भाई, भाई पहले से ज्यादा ज्यादा रेट है, पहले से ज्यादा ज्यादा रेट है, बढ़ते जाएंगे ये रेट, बढ़ते जाएंगे। हाँ चलो भाई बछड़ों की तरफ चलते हैं, बछड़ों की तरफ आ जाओ। हाँ भाई क्या हो गया, क्या हो गया उसको, क्या करना है, क्या करना है उस बंदे का? अच्छा उस वाले बंदे को बुला रहा हूँ, पानी नहीं लाया यार चाचू तुमने बुलाया पानी, खाली खाली लेके घूम रहे, जा जा जल्दी लेके आ, खर्ची देंगे खर्ची। अच्छा चाचू ये क्या कर रहे हो, बाल काट रहे हो? हाँ ये आपके अपने बकरे हैं? ये क्या है दांतों में क्या है? ये दो दांत है, दो दांत है, क्या मांग रहे हो इसका? ये चार बकरे हैं, 45 का पुट्टा, 45 का पुट्टा, मतलब ये 45,000 रुपए का बकरा है,
ये 45,000 रुपए का बकरा है, ये कितने किलो में होगा भाई? ये होगा 2 किलो। 2 किलो में होगा, 45,000 रुपए मांग रहे यार, 2 किलो के यार तू। ये 4 बकरे हैं मेरे भाई, 4 किलो भाई, 2 किलो का बकरा है यार ये, 45,000 रुपए मांगे भाई ने। और ये वाला तो भाई 1.5 किलो का होगा फिर उसका। हाँ कहाँ से ला रहे हैं, 2-2.5 किलो के तैयार करके? हाँ इधर से ही मिल रहे हैं। सही सही बता क्या हो जाएंगे? 45,000 रुपए से कम नहीं होंगे? होंगे क्यों नहीं, क्या हो जाएंगे? 40,000। एक आखिरी बता दे, आखिरी 40 आखिरी है। चल भाई तू बाल काट, तू बाल काट, तू 5,000 रुपए और बढ़ा देगा बाल काट के शाम तक। तो दोस्तों भाई आप लोगों ने यार बकरों की तरफ रेट देखे, बहुत ज्यादा रेट मांग रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं भाई सीधा बछड़ों की तरफ, वहां के रेट की आपको अपडेट करते हैं। और ये वीडियो भी लंबी हो रही है यार, इस वीडियो को मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा सा बछड़े कवर करके एंड कर दूं और फिर दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूं। और आज यार हमारे सौदों का भी मूड है, दुआ करें यार हमारा कुछ सौदे भी बन जाए यार। अच्छा तो दोस्तों भाई सबसे पहले यार ये सामने ही बछड़ा खड़ा हुआ था यार, ये बछड़ा मैं देख लेता हूँ यार, मैं आपको आप भी प्रॉपर तरीके से देख लें पूरा, मैं इसको दिखा देता हूँ और फिर इसके रेट ले लेते हैं यार। और दांतों में भी देख लेते हैं क्या है यार बच्चा, तो भाई अच्छा है यार, सलामी भी खड़ी आ रही है। हाँ भाई क्या है दांतों में? ये दो दांत है, दांत चेक करा? हाँ भाई दो दांत का सौदा है। पैसे क्या मांग रहे हैं? 7,500 रुपए। अबे क्या हो गया यार, अबे चीज तो है भाई लेकिन 7,500 रुपए, तुझे पता है कितने जीरो होते हैं उसमें, कितने सिफर आते हैं बता, गिन 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 गिन। अबे 7,500 रुपए मांग लिया यार, 3 सिफर आते ना, ले ले चलो डील ही करो। तुम कहाँ से आ गए? अबे तू मीरपुर खास मंडी, टंडो आदम मंडी, बाईपास मंडी, हर जगह पहुंचा बहुत है यार तू, सारी मंडियों में आएंगे। तो देख यार 7,500 रुपए इस बच्चे के मांग रहे यार तू, देख यार तू तो सही पैसे मांगता है, ये 7,500 रुपए मांग रहे। अपना ही है, तेरा बच्चा है, तूने इसको बोला 7,500 रुपए, नाजायज पैसे मांगने के लिए खड़ा किया हुआ है? नहीं भाई सीधा दाम करेंगे, नाजायज सीधा दाम कर, देने वाली बात कर, देने वाला मोल कर। 7,50,000 कम कर दिया, 6.5। अब तू बोल, अबे 6 बोल, 10 कम कर देना। अबे यार क्या हो गया यार, 4 लाख का बछड़ा है यार, क्या तू 6.5 लाख रुपए मांग रहा है यार? 4 लाख रुपए में दे दे, अभी मैं लेके जा रहा हूँ, मैं अभी वीडियो में अभी हाथ क्या तुझे 4 लाख दे रहा हूँ, बच्चा दे दे मुझे, इससे ज्यादा का नहीं है, पूरे मोल लगा दिए मैंने, इससे ज्यादा का बच्चा नहीं है, सही पैसे दे रहा हूँ, नहीं मिलेंगे इससे ज्यादा। कितने मिलेंगे तुझे? 8 लाख मिलेंगे इसके ऊपर, मिलेंगे 4 से तो ऊपर मिलेंगे कम से कम। अच्छा 4.5 से तो ऊपर मिलेंगे कम से कम। अच्छा तेरा नंबर डाला, सच सच बताइयो लोगों ने कॉल करी? जी जी कॉल की। क्या कह रहे हैं, कुछ सौदा वौदा बना? सौदा 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का वे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बन जाएगा। आज और माल लेके आया या वही वाला माल है? बड़े नया माल लेके आया, बड़ा माल लेके आया है। अच्छा भाई पटेला बच्चा लेके आया है, दांतों में क्या है ये पटेला? दो दांत है। सलामी भी देख ले दोस्तों और वजूद भी देख ले भाई, खोल के ला बच्चे को, दांतों में क्या है? दो दांत है। क्या मांग रहा है? देने वाली मोल करियो, देखो 7,500 वाली बात नहीं करियो, तूने गलत बातें शुरू कर दी हैं। लोग सही कह रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं तो रेट नहीं, बढ़ रहे हैं, रेट के हिसाब से भी लोग ये बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं रेट बढ़ रहे हैं, हम लोग गलत हो रहे हैं इसमें, तुम रेट जायज मांगो। एक तो इतना दूर दूर आ रहे हैं, मंडी होगी, वीडियो बना रहे, तू बता कोई बनाता था? हम आके बनाते हैं कराची से, तो तू रेट तो कम करना यार, हमारी मोहब्बत में यार इतना पैसे बढ़ा रहे हैं। बोला था लमसम में पैसे बताओ, मैंने लमसम में पैसे बताया। लोग बोलते हैं एक जानवर दो, इतने जैसे आपने लमसम में बोला, वो छोटे बछड़े कहाँ लेके जाएंगे? अबे यार तू दे देना, मोहब्बत कर लेना हमारे लिए, क्या हो गया? हमारे घर चल 10-20,000, 10-15,000 वाली मोहब्बत करके दे दे वो बच्चा बढ़ा के। ऐसे नहीं बोलते ना लोग, अबे कर लेंगे यार, मोहब्बत वाले हैं भाई, लोग बोलेंगे क्योंकि लोग वो कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो तुम भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन जायज पैसे मांगो ना यार। मेहनत कम बात ये, तुम इसके 7-7 लाख रुपए मांग रहे हो, 7-7 लाख रुपए, वो लोग सही कमेंट कर रहे हैं, सही मैसेज तुम्हें फोन करके बोल रहे हैं यार, 3 स्टार्ट करते हैं, 4 लाख 4 लाख 20 में उनको दे। हाँ ना यार, हम हर हफ्ते आएंगे ना यार, तुम 6.5-6.5, ये गलत है ना यार, ये गलत बात, कमाते तो दे देते, ये गलत बात नहीं करोगे भाई, तुम्हारा माल है, ये हमें भी पता है कितने का माल है, कराची वालों को भी पता है कि ये माल कितने का है, बस। और तुम लोग वही हो जो कराची में आके माल बेचते हो, नॉर्दर्न मंडी में आते हो। अच्छा इस बच्चे के पैसे बता दे, ठीक ठीक देने वाली बात कर दे, देगा ठीक बात कर ले यार शौकीन को। हाँ बोल 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 बोल, गुस्सा आ गया भाई इसको, 8.5 लाख रुपए कर रहे हैं वो बातें नहीं। अबे यार तू बोल रहे 8.5 लाख रुपए वो बात नहीं करेंगे यार, कैसी बात कर रहा है यार, कितने करेगा सीधे दाम बोल। हाँ बोल, 7.5 लाख रुपए इसका पुट्टे का बोल रहे तू, पुट्टे का 7.5 लाख रुपए? अबे भाई बच्चे तो दिखा, कौन कौन से ब्राह्मण बच्चे डाल दिए तूने पुट्टे में यार, तू 7.5 लाख रुपए मांग रहा है यार, ये देख कम है ये बच्चा। अबे तो ये 7.5 लाख रुपए का बच्चा है, इधर लगा उसके। हाँ चाचू आपका बच्चा है? हाँ। क्या मांगा है? 8 लाख। 8 लाख? अबे यार चाचू यार तफिया नहीं करो यार, तफिया नहीं करो यार, सारा साल खिलाया यार, क्या डरा अन्न अन्न, अरे चीज पिज्जा पास्ता ऐसा लग रहा है, इंग्लिश खाने खिला दिए,
अच्छा कान में बात सुनो और गहरा कान में बात सुनो सही है सही है यार तू भाई मित्रा इसका तूने 7.5 लाख रुपए आज तूने सही सी बता रेट ज्यादा क्यों किया बच्चड़ा बड़ा लाया सही बोल रहा हूँ तू बड़ा पहले से बड़ा माल है लेकिन तूने 7.5 लाख रुपए बोल दिए यार इसके यार तू खुद देखना यार जानवर भी तो देखो जानवर देख रहा हूँ भाई जानवर तेरा अच्छा है लेकिन तू रेट ऐसे मांग ले जिसमें कमी पेशी तो कराते हुए सही लगे बंदा तू रेट इतने मांग लेगा सौदा चल रहा है सौदा चल रहा है खोलते नहीं है हाँ चल चल सही है तू मुनासिब रेट मांगेगा ना नंबर बता दे अपना 0318-283-51 बोल बुध को भी दिया बोल जो भी मैंने पैसे मांगे मैं तौबा करता हूँ मैं फिर से ऐसे नहीं बोल 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 मैंने जो भी पैसे मांगे मैं तौबा करता हूँ फिर से ऐसे पैसे नहीं मांगूंगा नहीं भाई मांगने को हम हाँ मांगने को खिलाया पिलाया सही बात है मांगेंगे हाँ बर्गर से भी महंगी महंगी चीजें खाई है चलो यार सही है यार ये अच्छा बंदा तेरा नाम क्या है देख भाई मोहब्बत करनी है पैसे इतने नहीं मांगने बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है सही हो गया सही हो गया तो दोस्तों भाई ये थी यार मैंने आपको यार यहाँ की थोड़ी सी बछड़ों की अपडेट दी तो यार ये वीडियो हो रही है लंबी क्योंकि यार हम लोग आपको रास्ता भी दिखाते हुए आए और फिर बकरे भी दिखाए और ये बछड़े भी दिखाए तो यहाँ पे मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड और अभी दूसरी वीडियो शुरू करते हैं और इंशाल्लाह उसमें यार मिडिल क्लास के बछड़े जैसे कि मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए से लेके 3-3.5 लाख रुपए तक के बछड़े हम लोग टारगेट करते हैं और उन्हीं की वीडियो बनाएंगे।